मान ग्रहण नहीं कर पाती ताकि ये इंद्र की पूजा इनके हाथ में समर्पित हो। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा जो हम उसकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है केवल विलासी देखता है, केवल राजखंड में गिरा हुआ और जिंदा करता रहता है। नहीं नहीं, देवताओं के बारे में ऐसे नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते और इंद्र तो देवों के राजा है, वो देव जो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है और हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु के आगमन से हम ये हवन करवा के इंद्र को प्रसन्न करते हैं। यदि इस प्रकार इनकी पूजा ना करी जाए तो अवश्य ही देवता क्रोधित हो जाएंगे। ये बात होकर राजा इंद्र अगर क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगी। घास तो छोड़ो, घास एक दिन का भी नहीं होगा। जो ऐसा निर्दय है उसे भगवान कैसे कहते हैं आप सब? भगवान तो उन्हें कहा जाता है जो अपने भक्तों की भूल को क्षमा कर दे और जो दयालु हो। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उसके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेगा, नहीं करो तो बादलों को ही हटा देगा। ये तो किसी व्यापारी के लक्षण लगते हैं। भगवान के ही मेरी मानो तो पूजा करनी ही है तो सच्चे भगवान की कसम, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है, उनके करुणा के बादल सबको एक समान ही परखते हैं। आप गुरुदेव से ही पूछ लीजिए बाबा। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम भरम परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए, उस परम भरम परमेश्वर के अतिरिक्त हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का अपना इष्ट देवता होता है। भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए इष्ट देवता होने की अनुमति शास्त्र भी देता है। तो हम ग्वालों की इष्ट देवी तो केवल और केवल गौ माता ही हो सकती। जिस प्रकार ब्राह्मणों की जीविका वेद पाठ से चलती है तो वेद ही उसके इष्ट हैं। क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, उसका देश ही उसका इष्ट है। वैश्य की जीविका व्यापार से चलती है तो लक्ष्मी माता ही उनकी इष्ट देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की इष्ट देवी तो गोपालन ही है। मतलब सही मायने में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है। और जो हमारी गायों को अपने फल घास तथा जल से उनका पालन करते हैं वही गिरी गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। तो यदि आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है तो हमें इंद्र यज्ञ को त्याग कर गिरि यज्ञ और गो यज्ञ आरंभ करना चाहिए। नंदराय जी, अब और विचार ना करें। गोवर्धन के पास एक सुंदर पूजा स्थान लगा है। जो आगे चलो भाई, गोवर्धन।